राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला क्या है हमारे चारों ओर। क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर। भूगोल शिक्षण के कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत अब प्रस्तुत है उच्चतर माध्यमिक कक्षा के छात्रों हेतु एक वार्ता। वार्ता का यह कार्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित भूगोल की पाठ्यपुस्तक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था में संकलित पाठ पर आधारित है। वार्ता का शीर्षक है परिवहन और संचार के जाल। दूरदर्शन, दूरदर्शन भारत का राष्ट्रीय टेलीविजन है। ये संसार के सबसे बड़े क्षेत्रीय प्रसारण संगठनों में से एक है। इसने गांवों और नगरों दोनों में ही लोगों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन को बदल दिया है। दूरदर्शन एक यानी डीडी वन 1042 स्थल ट्रांसमीटरों के द्वारा देश की 87% जनसंख्या तक पहुंचता है। यही नहीं, 65 अतिरिक्त ट्रांसमीटर भी हैं जो अन्य चैनलों को स्थानीय सहायता प्रदान करते हैं। दूरदर्शन का पहला कार्यक्रम 15 सितंबर 1959 को प्रसारित किया गया था। ये कार्यक्रम केवल दिल्ली में ही देखा जा सकता था। इसकी नियमित सेवा समाचार बुलेटिनों सहित 1965 में शुरू की गई। 1975 तक दूरदर्शन केवल कुछ नगरों तक ही सीमित था। भारत में उपग्रह प्रौद्योगिकी से संबंधित पहला प्रयोग 1975-76 में सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट यानी साइट कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया था। देश में राष्ट्रीय कार्यक्रम और रंगीन टेलीविजन की शुरुआत 1982 में ही हो सकी। इसके बाद दूरदर्शन की सुविधाओं में बड़ी तेजी से विस्तार हुआ। दूरदर्शन की तीन स्तरों वाली बुनियादी कार्यक्रम प्रसारण सेवाएं हैं राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय। राष्ट्रीय कार्यक्रम में उन घटनाओं और मुद्दों पर जोर दिया जाता है जिसमें समूचे राष्ट्र की दिलचस्पी होती है। प्रादेशिक कार्यक्रम राज्यों की राजधानियों में बनाए जाते हैं तथा राज्य में स्थापित ट्रांसमीटरों से प्रसारित किए जाते हैं। स्थानीय कार्यक्रम किसी स्थान विशेष से संबंधित होते हैं और इनमें स्थानीय विषयों और स्थानीय लोगों को शामिल किया जाता है। दूरदर्शन से प्रसारित कार्यक्रमों में समाचार, सामयिक विषय, विज्ञान, सांस्कृतिक पत्रिकाएं, वृत्तचित्र, संगीत, नृत्य नाटक, सीरियल और फीचर फिल्में शामिल होती हैं। सरकारी नीतियों, विकास कार्यक्रमों और सामयिक विषयों का नियमित प्रसारण किया जाता है। दूरदर्शन अपने दर्शकों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के
अनेक कार्यक्रम सीधे प्रसारण द्वारा दिखाता है। ये स्कूलों और विश्वविद्यालयों के लिए भी शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित करता है। विविध प्रकार के कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए विभिन्न चैनलों का उपयोग किया जाता है। उपग्रह। कृत्रिम उपग्रहों के विकास और उपयोग के द्वारा संसार और भारत के संचार तंत्र में एक क्रांति आ गई है। रूस ने पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा था। उपग्रहों, प्रक्षेपण यानों और संबंधित स्थलीय प्रणालियों का विकास देश के अंतरिक्ष कार्यक्रमों का अंग है। आकृति और उद्देश्यों के आधार पर भारत की उपग्रह प्रणालियों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली यानी इनसेट तथा भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह प्रणाली यानी IRS। इनसेट दूर संचार, मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षण और अन्य विविध आंकड़ों तथा कार्यक्रमों के लिए एक बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली है। इनसेट प्रणाली की स्थापना सन 1983 में की गई थी। इस समय इसरो द्वारा निर्मित उपग्रह इस प्रणाली को सेवा प्रदान करते हैं। उपग्रहों के द्वारा व्यक्तिगत और जनसंचार दोनों में ही क्रांति आ गई है। भारतीय सुदूर संवेदन यानी IRS उपग्रह प्रणाली का प्रारंभ 1988 में हुआ, जब पहला IRS-1A अंतरिक्ष में छोड़ा गया। तब से लेकर अब तक दो श्रृंखलाओं के उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किए जा चुके हैं। भारत ने अपने प्रक्षेपण यानों का निर्माण कर लिया है। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV ऐसा ही प्रक्षेपण यान है। ये उपग्रह अनेक स्पेक्ट्रल बैंडों में आंकड़े एकत्र करते हैं तथा विभिन्न उपयोगों के लिए स्थलीय स्टेशनों को उनका प्रसारण करते हैं। भारतीय सुदूर संवेदन एजेंसी हैदराबाद में स्थित है। ये आंकड़ों के अर्जन और इनके प्रसंस्करण की सुविधाएं प्रदान करती है। प्रकृति के संसाधनों के प्रबंधन में ये बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। कंप्यूटर। कंप्यूटरों का अनेक प्रकार से उपयोग किया जाता है। हमारे समाज में आज इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। मूलतः कंप्यूटर चार प्रकार के कार्य करते हैं। पहला, ये निवेश के रूप में आंकड़ों को स्वीकार करते हैं। दूसरा, ये आंकड़ों का भंडारण करते हैं, स्मृति में संरक्षित रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर प्रत्यावर्तन करते हैं। तीसरा, ये अभीष्ट सूचना के लिए निर्देशानुसार आंकड़ों का प्रसंस्करण करते हैं।
चौथा, ये सूचना को निर्गम के रूप में संचारित करते हैं। अपनी विशिष्ट क्षमताओं के कारण कंप्यूटर का विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर की विशिष्ट क्षमताएं हैं गति, शुद्धता, संगति, भंडारण क्षमता और स्वचालन। शिक्षा और ज्ञान के प्रसार में कंप्यूटर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या है हमारे चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर चारों ओर, क्या है हमारे चारों ओर, चारों ओर चारों ओर। परिवहन और संचार के जाल, दूरदर्शन। अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, वाचक थे अमिताभ वर्मा। विषय संयोजक प्रोफेसर रामजन्म शर्मा, विषय संपादन आरपी मिश्र, आलेख एस के शर्मा, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।